तो आज आप लोग इंटर की पहली पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पढ़ेंगे। इसमें बताया जाएगा कैरेक्टर मीन्स होता है गुण या लक्षण, हैप्पी माने प्रसन्न, ऑफ माने काका की, और लाइफ माने जीवन। एक प्रसन्न जीवन के क्या गुण हैं, मतलब अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हो, अगर प्रसन्न कोई व्यक्ति है या रहना चाहता है उसको भी ये रूल्स फॉलो करने हैं। ये सर हेनरी वुट्टन ने पोएम लिखी है। किसने? सर हेनरी वुट्टन, जो 1568 में इनका जन्म हुआ था और 1639 में इनकी मृत्यु हुई। 1568 में और 1639 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आप उसमें लिखेंगे रिफरेंस में, और रिफरेंस में अगर इनका आपने जन्म और मृत्यु लिख दिया तो फिर कहीं कहीं जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो 1568 और 1639 इनकी कुछ बढ़िया पोएम है, जैसे आन एज मिस्ट्रेस, क्यून ऑफ वेस्टमिंस और कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उनमें से मेन पोएम है। तो आप देखिएगा क्या क्या गुण होते हैं। कभी नहीं बताया है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वो कितना व्यक्ति प्रसन्न है। हाउ माने कितना, हैप्पी माने प्रसन्न, इज माने है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म, और शिक्षा, जिसका जन्म और शिक्षा दोनों दैट सर्व्ड, मतलब शिक्षा और जन्म, दैट माने जो, सर्व्ड माने सेवा नहीं करता है, नॉट एन अदर्स वे, मतलब दूसरे की इच्छाओं के अनुसार वो सेवा नहीं करता है। कहने मतलब ये है कि अब ये लाइन समझ में आई, मतलब जो किसी का दास नहीं है, जिसे बॉर्न जन्म हुआ है तो आजाद आजादी से हुआ है। अब जैसे पहले एक प्रथा दास प्रथा चलती थी कि जैसे मान लिया छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता था और फिर उनके वो बड़े हुए, वो जैसे सेठ लोगों ने खरीद लिए और फिर वो अमेरिका में यही होता था दास प्रथा, जिसका अब्राहम लिंकन ने समाधान किया है। तो खरीद लिया जाता, जैसे हमें खरीद के बेच लिया गया, हम बड़े हुए, हमारी शादी हुई, हमारे जो बच्चे होंगे उनके दास होंगे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दासता चलती रहती थी। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो ना तो जन्म से किसी का दास है और ना तो शिक्षा, शिक्षा मतलब ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें पढ़ाया जाए वो तुम्हें पढ़ना पड़े, पढ़ाया वो जाए जो आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ये शिक्षा और जन्म यानी विचारों से जो आजाद रहे, और जन्म से जो आजाद है, किसी की सर्व माने सेवा करता है, नॉट एन अदर्स विल, दूसरे की इच्छा पर आश्रित नहीं है, कितना प्रसन्न व्यक्ति है। बात भी सही है, पराधीन सपने सुपना ही, अगर तुम विचार तो आपके दूसरे के सहारे, मतलब बात यह है कि अगर तुम जो कहना चाहते हो अपनी दिल की नहीं कह पाते हो, दूसरों की वजह से कहना पड़ता है। जैसे जैसे आप मान लिया घर में हैं और इतना दबाव है कि आप, कोई ऐसा व्यक्ति है किसी हमारे घर आया, किसी दूसरे व्यक्ति के घर गए, इतना दबाव है कि आप उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हो, खाट माने विचार अपने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आप प्रसन्न नहीं रह सकते। व्यक्ति तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसके विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता हो व्यक्त करने की, व्यक्ति तभी खुश रह सकता है। जैसे यहाँ आप हैं, आप स्वतंत्र हैं, अपनी बात कह सकते हो। अगर हम यहाँ जैसे पढ़ा रहे हैं, तुमसे कहीं कोई बोलेगा नहीं और कोई पूछेगा नहीं, जितना हम पढ़ाए उतना पढ़ो, चुपचाप घर चले जाओ, तो अंदर अंदर तुम घुटने लगोगे, प्रसन्न कुछ पूछने तो देते नहीं हो। और घर में जो तुम्हारी आकांक्षाएं जिज्ञासाएं हैं उनको पा करके आप और क्या होगे, प्रसन्न नहीं, आपके अंदर जो है भड़ास आएगी, भड़ास के चिड़चिड़ापन आएगा और फिर आप प्रसन्न नहीं रह सकते। घर में अगर मम्मी कहे नहीं कुछ नहीं बोलो, जो हम बनाए वही खाओ, पापा कहे कोई तुम्हारी बात हमें नहीं सुननी है, तो ऑटोमेटिक तुम अप्रसन्न रहने लगोगे। तो कवि कहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छाओं पर ना तो उसका जन्म हुआ है और ना तो वो दूसरों के विचारों के अनुसार चलता है। फिर हूज अरमोर, हूज माने जिसका, प्रसन्न व्यक्ति चित्त जो वाले व्यक्ति होते हैं, जिसका अरमोर माने कवच, कवच वे अपने पिस्टन लेते हैं, राइफल बॉडीगार्ड नहीं रखता है, उसका कवच क्या है, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी भरे विचार ही उसका कवच है। भाई विचारों में कोई अगर तुम्हारे त्रुटि नहीं है, आप किसी को न गलत कहते हैं न सही कहते हैं, सिर्फ आप जो सत्य है वो कहते हैं, कोई तुम्हें मारने वाला है ही नहीं, क्यों बुरा लोग कहें, है ना। और जब आप चुगली करेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, तो जाहिर सी बात दुश्मनी बढ़ेगी, जब दुश्मनी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा बहुत खतरा होगा, तब तो आप बॉडी गार्ड और ये सब आ गया। तो कहता है जिसका कवच क्या है, सिर्फ उसके ईमानदारी वाले विचार हैं, एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और उसका साधारण सत्य, सिंपल ट्रूथ इज हिज माने उसका अटमोस्ट माने सबसे बड़ा स्किल माने चतुराई है, वो चतुराई सिर्फ सत्य बोलने में रखता है, और सत्य भी
सिंपल साधारण सत्य, मतलब लेस मात्र भी थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा के कुछ नहीं कहता है, साधारण सत्य बोलने में सबसे बड़ी चतुराई है। लेकिन हम लोग क्या झूठ बोलने में चतुराई समझते हैं। अरे फिर हमने कहा खूब उल्लू बनाओ, इसको फिराई दो, तो तुम क्या कभी प्रसन्न रह सकते हो? नहीं, झूठ बोलने वाला कभी प्रसन्न रहता है। तो कहता है जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ी उसकी चतुराई यही होती है कि वो बहुत साधारण सत्य बोलता है, सत्य में भी ज्यादा घुमाओ फिरा जो बात है बिल्कुल सत्य बोलता है। तो ये पहला आपका स्टेंजा हुआ। इसकी इस कविता को जैसे अगर आ जाए इसको पहले, तो इसको अर्थ करके पहचानो तो सबसे अच्छी बात है। जब कोई ना पहचान इसकी मिले तो इसमें जो है तुक मिला करती है। तुक क्या मिलती है? ए बी ए बी ए बी। नहीं समझ पा रहे हो? मतलब देखो थाट से मिलेगा तीसरा, देखो टाट थाट मिला, विल स्किल। नहीं समझ पा रहे हो? ये हो गई ए, ये हो गई बी, मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन से रिदम जो है अलग होगी, लेकिन तीसरी और पहली लाइन की रिदम एक होगी, और फिर चौथी दूसरी और चौथी की, ऐसे ही इसमें एक केयर और कौर ये पढ़ा जाएगा। तो और डेथ और ब्रेथ है, मिल रहा है? पहली हर स्टेंजा में पहली और तीसरी लाइन की रिदम एक होगी, वो स्टेंजा का किसका है? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का। ये पहचान बहुत अच्छी होती है। और सर एनी न्यूटन लिखा है। दूसरी पे आए हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर सार, उस हुज माने जिसके पैशंस माने भावनाएं या जो उसकी उत्तेजनाएं हैं, नॉट हिज मास्टर, मालिक नहीं होती उसकी। नहीं समझ पा रहे? मतलब वो अपनी भावनाओं या अपने इच्छाओं के अनुकूल नहीं कार्य करता है, वो दिल की बात आत्मा की बात सुनता है। जैसे अब जैसे मान लिया तुम्हारी भावनाएं क्या है, जैसे मान लिया आपने आज पढ़ रहे हो, कल तुम्हारे गांव में कोई आर्मी में नौकर हुआ, तुम्हारी भावना कहने लगी अरे आर्मी की तैयारी करेंगे, आर्मी बन जाएंगे। थोड़े दिन बाद कोई पुलिस में हुआ, अरे आर्मी हटाओ, आर्मी में बाहर जाना पड़ता है, पुलिस में बढ़िया है, घूस भी बढ़िया है, चलो भावनाएं तुम्हारी जोर मार रही हैं। तो जिसकी भावनाएं जो है मास्टर नहीं है, बल्कि नहीं, तुम एक टारगेट लो, बाजार गए जवान चाट की तरफ चली गई, भावनाएं ज्यादा जोर हो गई। तो जिसकी भावनाएं कंट्रोल जिसका नहीं है, मतलब भावनाएं जिसकी मास्टर हैं, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो प्रसन्नचित है, नॉट इज मास्टर सार, वो भावनाएं उसको काबू में नहीं करती हैं, वो भावनाओं को काबू में करता है। कोई उत्तेजना है उसको कंट्रोल करता है, मन की तरंग को मारता है, वही सक्सेस होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जो प्रसन्नचित रहना चाहता है वो मौत से नहीं डरता। हुज माने जिसकी सोल माने आत्मा, इज माने है, स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार फॉर डेथ, मरने के लिए सदैव वो तैयार रहता है। और जो मृत्यु से नहीं डरता है, फिर थोड़ा बहुत तो प्रसन्नता आ ही जाती है। अब डर तो सबसे ज्यादा मृत्यु का ही है, मरने को डॉक्टर कह दे 5 दिन जी, देखो 5 दिन वही फिर चले जाए, है ना? अगर डॉक्टर कहते 5 दिन खा पी लो, फिर खाई लो भी, वो किसको कहते हैं? तो मौत से जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है वो मौत से नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है इट इज इनचेंजेबल ट्रुथ, मतलब ये ना चेंज होने वाला सत्य है। मृत्यु से कैसा डरना भाई, डरोगे तब भी मरोगे, नहीं डरोगे तब भी मरोगे, मृत्यु तो सत्य है। तो ऐसा जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वो सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है। जहां पे तुम्हें वर्ड ना समझ में आए, जहां पे तुम्हें लाइन ना समझ में आए, बता दे, एक एक शब्द का मीनिंग आप लीजिए और पढ़िए, और एक्सप्लेन करने का बिल्कुल यही तरीका है। एक्सप्लेन हाउ हैप्पी जैसे आया, एक्सप्लेन करने को अभी हम बता देंगे कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में हम जो लिखाएंगे। फिर उसके बाद में अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, अनटाइड माने टाई माने बंधना, अनटाई माने बंधा नहीं होता है, अनटू द वर्ड विद केयर, केयर माने चिंता, विद माने साथ, वर्ड माने संसार, वो संसार की चिंताओं से अपरे होता है, उसे ये नहीं बन, उसे ये भी ये वही प्रसन्न चित्त रहता है वो, ये तो ना बम्बई में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, मोदी क्या कह रहे हैं, अखिलेश क्या कह रहे हैं, वैक्सीन कहाँ मर रही है, इन चिंताओं से जो दूर रहता है वही प्रसन्न रहता है। और कहने का मतलब ये है कि वो बंधन रहित होता है संसार की चिंताओं से। संसार की चिंता क्यों करते हो भाई, अपनी अपनी चिंता करो, संसार तो अपनी चिंता स्वयं हो, तो रखवाला दूसरा है। बेवजह की चिंता में हो, छोटू पड़ जाए, मोटू पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो आप प्रसन्न नहीं रह सकते, हर समय टेंशन में रहोगे ना आप। प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, और ना तो उसे प्रिंसली माने प्रिंस माने राजकुमार होता है, तो यहाँ के मतलब प्रशासन, अब तो प्रजातंत्र है ना, पहले चलता था राजतंत्र, तो वो तो ना राजा हमसे प्रेम करे इसकी भी चिंता नहीं होती है। आजकल हर आदमी चाहता है बड़ा नेता हमसे प्रेम करे, चापलूसी करते लोग, लेकिन जो प्रसन्नचित्त होता है वो ये भी नहीं चाहता है, ना तो उसे राजा के प्रेम की चिंता रहती है, ना वल्गर ब्रीथ, और वल्गर माने अफवाहें, ब्रीथ माने जो उड़ा करती हैं।
जो अफवाहें उड़ रही हैं उनसे भी उसकी कोई चिंता नहीं होती, वो सिर्फ सत्य मार्ग पे चलता है। बाकी समाज क्या कह रहा है, राजा खुश हो रहा है कि नहीं खुश हो रहा है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं, जो सही है वो इसी मार्ग पे चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है खुश रहते हैं, ये प्रसन्न चित्त व्यक्ति की पहचान बता रहा है। आगे हु हैथ, ये हैथ है लेकिन ये लिटरेचर भाषा में हैथ पढ़ा जाता है, मतलब लिखा ही जाता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर स्ट्रीट, और उसका जो जीवन होता है, हु माने जिसका, हैथ माने पास में है, हिज लाइफ उसका जीवन जो होता है, फ्रॉम माने से, रूमर्स माने अफवाहों से, फ्रीड माने फ्री, अफवाहों से बिल्कुल फ्री है, ना तो अफवाहें फैलाता है और ना फैलने देता है। अपने जीवन का है, अफवाहें ही अफवाहें हैं, चोटी कटवा नींबू बांध देव हुन वो हो गया, अरे इधर हवा चली है कि सड़क पूज ले, उन्हें एक लड़का है वहां मत जाइए, अफवाहें ना फैलने देते हैं, अफवाहों से उसे कोई मतलब ही नहीं होता है जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। और हुज कॉन्सियस इज हिज स्ट्रीम रिट्रीट, हुज माने जिसकी, कॉन्सियस माने अंता स्थल, जिसकी आत्मा ही उसका स्ट्रांग, हिज माने उसका, स्ट्रांग माने मजबूत, रिट्रीट माने सरड़ा स्थल है, उसकी जो आत्मा कहती है वही वो करता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। और ये भी होना चाहिए, आत्मा के कहने से चलोगे तो थोड़ा दर्द जिंदगी का कम होगा। और हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लीटर्स फीड, और जिसका, जिसकी दशा जो है कैन नेदर फ्लीटर्स फीड, उसकी दशा जो है कैन माने सकती है, नेदर माने ना तो, फ्लीटर्स माने टुकड़ों में नहीं होती है, टुकड़ों मतलब आज कुछ और कर सोचे, दूसरा कोई कर रहे और सोचे, ये तो टुकड़ों में हो गए ना, ये नहीं होती है। नॉर र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही वो किसी के, नॉर माने नहीं, र्यून माने बर्बाद, मेक माने बनाता है, ऑपरेशंस ग्रेट, कोई अगर व्यक्ति जैसे मान लिया ऑपरेशंस ग्रेट महान बन गया अवसर पाके, तो उससे भी उसे कोई चिंता नहीं होती है। तो ये प्रसन्नचित्त व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज है। आगे स्टेंजा है,